Seaweeds. Seaweeds is the common name for marine algae. आप देखेंगे ओशन के अंदर या जो सी वाटर है, सोल्टी वाटर है, जहाँ पर सी वीड्स जो हैं वो मैराइन एल्गी के नाम से जानी जाती हैं। मैराइन एल्गी जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, जिसमें ये थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है। ब्राउन एल्गी फीकोफाइटा, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा, रेड एल्गी रोडोफाइट। सीवीड्स कहते हैं प्लांट नहीं हैं, लेकिन उनके जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि उनमें प्लांट के जैसे क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उनके अंदर प्लांट जैसी सेल वॉल होती है, लेकिन उनके अंदर रूट्स नहीं होती, इंटरनल वेस्कुलर सिस्टम जिसको कहते हैं वो नहीं होता, और उनके जो सीड्स हैं या फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते। यही कारण है जिसके कारण ये प्लांट से थोड़ी डिफर होते हैं। सीवीड जो होते हैं, कहते हैं इनकी स्पीसीज़ की अगर बात करें तो काउंटलेस स्पीसीज़ होती हैं, कि इनको हम अनगिनत स्पीसीज़ हमें इनकी ओशन में, रिवर में, लेक्स में और अदर वाटर बॉडीज़ में हमें मिलती हैं। सीवीड जो होती हैं वो कहते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और ये कहता है स्मॉलेस्ट अगर हम यूनिसेलुलर सीवीड को देखें तो वो फ्यू सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक ग्रो करती हैं, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर फॉर्म को देखते हैं तो वो कहता है अप टू 50 मीटर और मोर तक जो है ये ग्रो कर सकती हैं। इसमें कहता है जो मीडियम साइज़ की सीवीड्स होती हैं उनमें डिफरेंट कलर होते हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है। और जो हमारी रेड एल्गी होती है वो मोर डाइवर्स, उसमें डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। और जो ब्राउन एल्गी है वो कहता है लार्जेस्ट जो सीवीड्स हैं वो हमें ब्राउन एल्गी के अंदर दिखाई देते हैं। ये कुछ तीन आपको दिखाई है एडिबल जो कि यूजली खाई जाती हैं सीवीड्स, जो कि ग्रीन सीवीड्स हैं, ब्राउन हैं, रेड हैं। इनके कलर जो हैं वो जैसे सी ल्यूटीज हैं, है ना, ये। उसके बाद है इम्पोर्टेंस, कहता है कि इन सीवीड्स की क्या इम्पोर्टेंस है। कहता है सीवीड जो होते हैं वो एसेंशियल नर्सरी हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो मैराइन वाटर के अंदर, चाहे वो फिशेस हैं चाहे वो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, एंड प्रोटेक्ट फूड सोर्सेज, और फूड सोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, बचा के प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीवीड जो है बोथ फूड एंड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो कहता है क्योंकि ये प्लैंक्टोनिक एल्गी है, ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कहता है, पूरी अर्थ की जो 90% ऑक्सीजन है वो हमारे सीवीड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सीवीड जो है, अगर इनकी हम बाहर की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये कहता है नॉन आर्बोरियल टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि ट्री जैसे नहीं होते, लंबे नहीं होते, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं, जिसमें कहता है थैलस होता है, जिसकी पूरी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। अब इस बॉडी में कहता है तीन पार्ट होते हैं, नंबर वन लेमिना, जिसको हम ब्लेड का नाम दे देते हैं, सेकंड स्टाइप, जिसको हम स्टेम बोल सकते हैं, और थर्ड इज होल्ड फास्ट, ठीक है। तो जो लेमिना होता है वो लीफ लाइक फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कहता है कुछ रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं जिनके अंदर स्पोर के क्लस्टर्स होते हैं, जिसको हम सोरस बोलते हैं, और कुछ कहता है कि जो ब्लेड है उसके ऊपर कई बार न्यूमेटोसिस्ट, जिनको हम एयर ब्लैडर, गैस ब्लैडर कुछ भी कह सकते हैं, वो उनको फ्लोटेशन में हेल्प करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। कैल्प फ्लोट, कहता है ये भी फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, और ये कहता है जो लेमिना है और स्टाइप के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं। स्टाइप जो होती हैं वो स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। होल्ड फास्ट कहता है क्योंकि रूट्स नहीं होती इनके अंदर, तो इनको अटैचमेंट के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो होल्ड फास्ट होता है जो उनको अटैचमेंट देता है सबस्ट्रेटम के साथ।
इसमें कहता है कि हेप्टेरा एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है होल्ड फास्ट की, जो कहता है एक्चुअल में बेंथिक सबस्ट्रेट, जो भी बॉटम पे सबस्ट्रेट है उसको एंकरिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम स्टाइप और ब्लेड की बात करते हैं तो उनको एक कलेक्टिवली नाम दिया जाता है फ्रॉन्ट। फिर है एल्गी, हमने देखा कि तीन तरह की हैं सीवीड्स, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का कलर कहता है ब्राउन होता है ड्यू टू ज़ेंथोफिल पिगमेंट, जिसका नाम है फ्यूकोज़ेंथीन। इसमें कहता है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट हो, सी प्रेजेंट होते हैं, बी क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। इसमें एक एग्जांपल है जैंट कैल्प, जो कि मैक्रोसिस्टिक पायरीफेरा है, वो कहता है कि कैलिफोर्निया के जो कैटालिना आइलैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्प फॉरेस्ट। वो एक मैराइन हैबिटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो बहुत सारा हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कहता है इनको जो ब्राउन एल्गी होती है उसको हम एल्गीनेट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एल्गीनेट जो होता है वो एल्गिन एसिड का डेरिवेटिव होता है, जो कि कमर्शली अगर हम देखें टूथपेस्ट, सोप, आइसक्रीम, टिन मीट, फैब्रिक पेंटिंग, लेदर पेंटिंग आदि में जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये कहता है कि वाटर में ये विस्कस जेल बना लेता है, स्टेबल विस्कस जेल, और जिसका प्राइमरी फंक्शन जो है बाइंडर का होता है, ठीक है। ये एज ए स्टेबलाइजर, एज एमल्सीफायर और मोल्डिंग एजेंट के रूप में इसको हम यूज़ में लाते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे लेमिनेरिया है, सार्किनिया है, फ्यूकस है, ये बहुत सारी ब्राउन सीवीड्स की एग्जांपल हैं। फिर है क्लोरोफाइटा, जैसे कि नाम इनका बता रहा है ये ग्रीन एल्गी होती हैं। तो इनमें कहता है क्लोरोफिल ए और बी जो है इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स में होता है। इसमें कहता है अदर पिगमेंट बीटा कैरेटीन, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ेंथोफिल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जितने भी सीवीड्स में सभी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक डोमिनेटिंग जो पिगमेंट है वो अदर के इफेक्ट को मास आउट कर देता है। अब जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल जो है उसका इफेक्ट, वो डोमिनेंट जो पिगमेंट है वो कहता है इस कैरेटीन और ज़ेंथोफिल के पिगमेंट की कलर को नहीं एक्सपोज होने देता। अब ये कहता है कि जो ऑर्गेनिक बीटा कैरेटीन्स हैं वो कहता है ग्रीन एल्गी डूनालियेला सलीना ग्रोन इन ह्यूज पोन, बड़े बड़े पोन्स में इनको ग्रो कराया जाता है। कैरेटीन जो है वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सम कैंसर, मेनली लंग कैंसर के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कैरोटीन, ठीक है। फिर है कोलेरा जो है वो भी कहता है वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहती है, तो वो एज ए फूड सप्लीमेंट जो है वो बेटर हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कोलेरा है, क्लाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, ये हमारे ग्रीन सी वीड्स में आते हैं। फिर है रोडोफाइटा, रोडोफाइटा ये कहता है रेड एल्गी है, इसका जो कलर है वो फाइकोराइथीन और फाइकोसाइनिन के कारण होता है। अब अगेन यहाँ पर क्लोरोफिल ए है लेकिन क्लोरोफिल बी एब्सेंट है, तो कहता है लेकिन अब ये देखिए इनके अंदर पिगमेंट जो है फाइकोराइथीन और फाइकोसाइनिन वो डोमिनेटिंग पिगमेंट है, जिसके कारण इनका कलर जो है वो रेड रहता है, ठीक है। कोरलाइन एल्गी, अब नाम से भी पता चल रहा है कि ये कोरल में हेल्प करते हैं, कोरल फॉर्मेशन में। तो ये कहता है कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ देयर सेल, और ये कहता है बोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज्ड किए जाते हैं। रेड एल्गी आर इटन, फॉर एग्जांपल डल्सी, पालमेरिया पालमाटा, ठीक है, एंड कैराजीन मॉस, ये जो हैं ये कहता है रेड एल्गी को, इनको एज ए फूड जो है यूज किया जाता है। रेड एल्गी में कहता है कापा फाइकस जो है, बीटा फाइकस जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर है कैरा जीनान के, और ये कहता है बहुत यूज़ किया जाता है एज एन इंग्रेडिएंट इन फूड, पर्टिकुलरली योगर्ट, चॉकलेट मिल्क, प्रिपेयर्ड पडिंग, पुडिंग एक्सेट्रा।
अगार, अगर आप जानते हो अगार, अगार जो है एक ग्रोथ मीडियम होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी कहता है फॉर फूड एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो पाल्मेरिया है, डेलीसेरिया है, कॉन्ड्रस है, ये सब हमारी रेड एल्गी के अंदर आते हैं। कुछ आप रेड एल्गी की जो है या सी वीड्स को देख सकते हैं, ये हमारी रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी हमें दिखा रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा कहता है ये कुछ ऐसी एल्गी हैं जो एडिबल फॉर्म में कॉमनली यूज होती हैं, थ्रेड अगार है, कॉनबू है, ग्रीन टोसाका है, ग्रीन माफूनी नोरी है, ठीक है। ये सब जो है वाइट टोक्साका, वेकमी, रेड फूल कोरी, ये कॉमन एडिबल सीवीड्स हैं। ये गाइडलाइन एक शो कर रखी है कॉमन सीवीड्स के अंदर, जिसमें हम बता रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीवीड्स हैं और इनके अंदर जो है इनकी हाइट कितनी है। फिर है सीवीड फार्मिंग, क्योंकि सीवीड्स में हमने देखा बहुत सारे इम्पोर्टेंस रहती है, तो इनकी कहता है फार्मिंग भी की जाती है, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीवीड्स। अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सीवीड्स जो है नेचुरली ग्रो कर रही है किसी भी सी वाटर में, तो वहाँ पर उनको सिर्फ मैनेजमेंट की जाती है, कहाँ से उनको निकालना है, कहाँ उनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सब मैनेज किया जाता है, वो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि नेचुरली ग्रोइंग सीवीड्स की मैनेजमेंट करना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दूसरा है एडवांस फॉर्म में है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम कंट्रोल द लाइफ साइकिल ऑफ द एल्गी, हम यहाँ पर इंटेंशनली जो है वो ग्रो करवाते हैं और उनकी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग जो है वो कंट्रोल करते हैं। सीवीड जो है वो कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ की इन्हांसमेंट के लिए, और सीवीड्स को कहता है कि ओल्डेस्ट प्लांट ऑन अर्थ माना गया है, और एडिबल सीवीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, उनका आप देखेंगे इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखते हैं इकोलॉजिकली, इकोलॉजी में आप देखेंगे कि इनको दो रिक्वायरमेंट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट होती है जो इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है। पहला तो उनको सी वाटर और ब्रैकिश वाटर चाहिए, दूसरा और उनको लाइट सफिशेंट चाहिए कि ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉल्टी वाटर हो और वहाँ पर लाइट की पेनिट्रेशन भी सफिशेंट हो ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। दूसरी रिक्वायरमेंट है उनको अटैचमेंट चाहिए। अब हमें पता है जहाँ पर ब्रैकिश वाटर या हमारी फोटो जो लाइट पेनिट्रेशन जा सकती है वो सबसे जो बेस्ट साइट होती है वो लिटोरल साइट होती है, लिटोरल जोन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कहते हैं अगर जोन के अंदर हम लिटोरल जोन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ रोक जो है वो प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द सैंड। ग्रो तो वो सैंड में भी कर जाते हैं लेकिन अगर उनको रॉकी शोर मिल जाए तो वो उनको बेस्ट फेवरेबल प्लेस जो है फॉर अटैचमेंट होता है। इसमें कहते हैं फ्यू जेनरा हैं जो कि आप देखेंगे सी फ्लोर में अटैचमेंट नहीं चाहिए होती, ये कहते हैं फ्लोट करते हैं फ्रीली, सार्गसम, ग्रेसिलेरिया, ये कहता है इनको अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फ्लोटिंग सीवीड्स जो हैं उसमें आते हैं। अब डाइटरी इम्पोर्टेंस देखेंगे आप कि डाइट की इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है जिसके कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। तो कहता है इनमें थ्री ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक तो सिंपल शुगर होती हैं, दूसरी सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं और तीसरे इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं। शुगर में आप देखोगे मैनिटोल ब्राउन एल्गी के अंदर, सार्बिटोल रेड एल्गी के अंदर, जो कहता है 20% ऑफ सीवीड्स को रिप्रेजेंट करता है। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जैसे अगार है, कैराजिनान है, एल्जीनेट है, ये कहता है 50% सीवीड से हमें मिलते हैं।
इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो थोड़े कम क्वांटिटी में होते हैं, अबाउट 2-8% जो है वो ड्राई वेट में मिलते हैं। इसके अलावा कहता है कि सेलुलोज जो है वो कहता है सभी तरह की, चाहे वो रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या ग्रीन एल्गी हो, सभी में मिलता है। लेकिन ज़ाइलॉन जो है ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ रेड और ग्रीन एल्गी के अंदर ही मिलता है, जो कि ब्राउन एल्गी के अंदर एब्सेंट होता है। दूसरी बात ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मैराइन एल्गी होती है, जिनको हम सी वीड्स बोल रहे हैं, वो कहता है आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होता है उस एज कंपेयर टू इवन स्पिनच और योग, एग योग से भी ज़्यादा इसमें आयरन जो है वो मिलती है। अब आप देखेंगे कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं, पैक्ड फूड जो हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सी वीड्स, डाइटरी इम्पोर्टेंस ऑफ सी वीड्स। देखिए वेट वीड्स जो सी वीड्स जो होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, तो उनको कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी नहीं होता, तो वो तो नियर जो कोस्टल एरिया के नियर जो भी रीजन है वहीं पर जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन कहता है क्योंकि अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिनके कारण क्या होता है, इन सीवीड्स को ड्राई कर लिया जाता है और पैकेजिंग पैक्ड फूड जो है वो प्रिपेयर कर लिया जाता है, जिसके कारण इसको हम डिफरेंट डिस्टेंस लोकेशन पर भी हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शन की बात जब हम देखते हैं तो सी वीड्स कहता है उनमें एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। और सेकंड कहता है कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो एज ए रिप्रोडक्शन जो है यूज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि सेक्सुअल स्टेज आती है उसके बाद एसेक्सुअल आती है, इस तरह से वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। पहली जो फॉर्म है उसमें क्या होता है, सीवीड जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सीवीड जो है वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ देखेंगे घी पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है, एग्स और स्पर्म जो है जिनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी कि हैप्लॉइड्स होते हैं। सेकेंड जो स्टेज होती है दैट इज़ एसेक्सुअल फेज होती है, वहाँ पर स्पोर जो हैं वो डस्ट कर दिए जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं और यहाँ पर कहता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं सीवीड्स में जो कि एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करती हैं, कि जो ब्लेड है, लेमिना है, उसका कुछ हिस्सा जो है, छोटा सा टुकड़ा जो है वो गिर जाता है और जहाँ पर सबस्ट्रेटम पर गिरता है वहीं पर वो ग्रो करके पूरा थैलस जो है वो तैयार कर लेते हैं। यूजेस जब अगर हम देखते हैं तो इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज ए फूड, हम एल्जिनेट, अगार, कैराजिनान जो कि जेलेटिनस सीवीड्स हैं उनको हम हाइड्रोक्लोराइडर और फाइकोक्लोराइड्स के नाम से भी जान सकते हैं। हाइड्रोक्लोराइड जो होते हैं फूड एडिटिव का काम करते हैं और फूड इंडस्ट्री में उनका जेलिंग में, वाटर रिटेंशन में, एमल्सिफिकेशन में, जिसमें कमर्शियल गुड हमने देखा टूथपेस्ट है, फ्रूट जेली है, पॉपुलर सॉफ्टनर एमोलियंट जो है उनकी तरह इनऑर्गेनिक कॉस्मेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। एल्जिनेट जो है वो कहता है वाउंड ड्रेसिंग में टू ट्रीट वाउंड्स, बर्न, रेसेस यहाँ पर यूज़ होते हैं। बहुत सारे सीवीड्स हैं जिनके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल जो है बेनिफिट्स रहते हैं और कुछ ऐसी सीवीड्स हैं जिनको हम ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगार जो है वो हमें पता है, अगार जो है वो फूड एज ए फूड यूज़ होता है कन्फेक्शनरी में, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेजर्ट्स एंड बिवरेजेज फूड में भी इनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कल्चरल मीडिया तैयार करने में इन द लेबोरेटरी, वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। फिर कहता है कैराजिनान है उसको हम
सैलड ड्रेसिंग में, सॉसेस में, डाइटिक फूड में, एज ए प्रिजर्वेटिव इन मीट एंड फिशेज, डेयरी आइटम और बेक्ड फूड्स के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। जो सीवीड्स होते हैं वो कहता है कि उनके जो यूटिलाइजेशन होती है वो कहता है फूड में नहीं होती, इसके अलावा भी कहता है उनको हम जो है लैंड को, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें कहता है अब देखेंगे एस्कोफाइलम, फूकस, क्लोनिया, ये कहता है ऐसे सीवीड की स्पीसीज हैं जिनको, ब्राउन सीवीड्स हैं ये, इनकी ग्रोथ करते हैं और इनको जो है वो सोल्ड किया जाता है एज ए सॉइल एडिटिव, यानी कि सॉइल एडिटिव के अंदर भी इनका यूज़ होता है और ये बहुत फर्टिलाइज़र एंड सॉइल कंडीशनर का काम करते हैं, मतलब कि ये हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी फर्टिलिटी, उसकी कंडीशनिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट सीवीड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कहता है सीवीड्स में एक पोटेंशियल होती है कि वो वाटर, जो वेस्ट वाटर है, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें कहता है कि जो सीवेज की ट्रीटमेंट है या एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसको कहता है पहले हम सीवीड के फिल्टर में से गुजार देते हैं, जिसके कारण क्या होता है सीवीड जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा वाटर है उसके अंदर इनका जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, इट मीन वो ट्रीटमेंट हो जाती है उनकी और उनको हम रिवर में या ओशन में उस वाटर को डाल दिया जाता है। दूसरा कहता है कि हम इनको टॉक्सिक मेटल, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर है, जो टॉक्सिक मेटल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, उनकी रिमूवल में भी इनको यूज़ करते हैं। देखिए सीवीड्स के सारे बेनिफिटरी इफेक्ट नहीं होते, लेकिन उसके अंदर कहता है मैक्सिमम जो है बेनिफिटेड हैं। कुछ ऐसी भी सीवीड्स होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, बहुत कम होती हैं, और कुछ कहता है सीवीड्स में कहता है हमने देखा विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो विटामिन के अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कहता है कि विटामिन के का जो इस्तेमाल होता है वो थिनिंग, ब्लड थिनिंग के रूप में किया जाता है, लेकिन कहता है अगर पोटाशियम का कंटेंट बढ़ जाता है, जैसे कि सीवीड्स में हमने देखा विटामिन, मिनरल्स और फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहते हैं वो एक्सेस डोज में अगर चला जाता है तो नोजिया, वीकनेस, ठीक है, और किडनी प्रॉब्लम जैसी चीज़ों में भी ये अपना इफ़ेक्ट दिखा देते हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट है, लेकिन कुछ जो है उनके अंदर जो है हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी दिखते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक सीवीड्स था, और थैंक यू।